एनी फ्रैंक की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों से उभरने वाली सबसे मार्मिक और प्रेरक कहानियों में से एक है। 1929 में जर्मनी में जन्मी एनी एक युवा यहूदी लड़की थी जिसे अपने परिवार के साथ नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 साल तक वह अपने परिवार और 4 अन्य लोगों के साथ एक गुप्त एनेक्सी में रही। अपने अनुभवों और विचारों को अपनी अब की प्रसिद्ध डायरी में दर्ज किया। अकल्पनीय कठिनाइयों और निरंतर भय के बावजूद एनी की डायरी आशा, लचीलापन और आशावाद की एक उल्लेखनीय भावना प्रकट करती है। दुख की बात है कि एनी और उसके परिवार को आखिरकार खोज लिया गया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां 1945 ईस्वी में टाइफस से 15 वर्ष की आयु में एनी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी डायरी बच गई। बाद में इस डायरी को उसके पिता ऑटो फ्रैंक द्वारा प्रकाशित कराया गया। इसने अपने शक्तिशाली संदेश से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। आज एनी फ्रैंक की विरासत उनकी डायरी के माध्यम से जीवित है।